आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ये से कर्नल अजय जी रुख करें अगर शेयर बाजार की ओर, तो शेयर बाजार में आपके मुताबिक और एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक क्या क्या संभावनाएं हैं, किन शेयर में मंदी तेजी रहेगी और ओवरऑल शेयर बाजार कैसा रहेगा? शेयर बाजार के अंदर देखिए, आज मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स, पावर स्टॉक्स और आईटी इंडस्ट्रीज यानी सूचना एवं प्रौद्योगिकी, इसके अंदर अच्छा मूवमेंट बन सकता है। और विशेषकर वेदांता है, टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टाटा मोटर्स है, इनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर भी नजर रख सकते हैं, उसमें भी तेजी की संभावना बन सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अभी तेजी नजर आ रही है और बैंक निफ्टी लगभग 380 पॉइंट तेजी दिखा रहा है और निफ्टी लगभग 80-82 पॉइंट ऊपर चल रहा है पिछले क्लोजिंग के मुताबिक। और जो स्टॉक्स हम लोगों ने पिछले शो में डिस्कस किए थे, चाहे पीडीलाइट इंडस्ट्री हो या एसबीआई बैंक हो या फिर टाटा स्टील हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो, वेदांता हो, आरईसी हो, या इन सभी के अंदर मूवमेंट अच्छी चल रही है। रिलायंस आज मजबूती के बरखिलाफ मंदी की तरफ अग्रसर हो रहा है, लाल अंकों में इसका ट्रेडिंग हो रहा है, ये एक चिंता की विषय है। और जो टेक्निकल और फंडामेंटल समझते हैं शेयर बाजार के लिए, उनको मैं एक आगाह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, आप तीन स्टॉक पे नजर रखिए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक और एसबीआई बैंक, इन तीनों के चार्ट लगा के रखिए। जैसे ही इसके अंदर फ्लैट हो या इसके अंदर लाल निशान नजर आए, वहां से बाजारों के अंदर गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं। तो विशेष ख्याल रखें कि जो ऊपरी स्तर पर मुनाफा लेना चाहते हैं, बुक करना चाहते हैं शेयर बाजार के अंदर, उन तीन स्टॉक को पर नजर रखें। जैसे ही ये फ्लैट होते हैं और ये माइनस होते हैं, जिसकी संभावना शायद कल या परसों हो जाए, उसी वक्त बाजारों में गिरावट नजर आनी चालू होगी, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, इसका विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, मार्केट टाइम्स के टीवी के ऊपर हम निश्चित हर रोज कुछ नई चीज बताने का प्रयास करेंगे कि मार्केट को एनालिसिस कैसे किया जाए। ये उन लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है कि जो बाजारों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस को भी समझना और जानना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतर सिद्ध हो, ऐसा मेरा मानना है। और यही बाजारों के अंदर सेंसर्स के अंदर ये करीबन 250 पॉइंट ऊपर है, 248 पॉइंट, निफ्टी लगभग 82 पॉइंट ऊपर नजर आ रही है। यहाँ पर इन तीन स्टॉक पे नजर रखें, जैसे ही ये माइनस में आए, जैसे फ्लैट हो, तो बाजारों के अंदर गिरावट की शुरुआत हो सकती है, इसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आज एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक कुछ ऐसा रह सकता है आज आपका शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार और आज का दिन। फिलहाल बाजार के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।